एक ब्रेकिंग न्यूज आहे, न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीश यांच्यामध्ये जो वाद पेटलेला होता तो वाद आता मिटलेला आहे. तर न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीश यांच्यामधील वाद मिटलेला आहे. दरम्यान महाधिवक्ता के वेणुगोपाल यांनी हा दावा केलेला आहे. तर काही दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषद घेऊन न्यायमूर्तींनी न्यायाधीशांवर सरन्यायाधीशांवर तर या ठिकाणी न्यायाधीशांची एक प्रेस कॉन्फरन्स सुरू आहे. आपण थेट जाऊया. ये शुरू से आप लोगों के माध्यम से ये था कि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कोई कंडीशन उन पर इंपोज नहीं करेगी, वो अपने ढंग से इन हाउस बैठ के अपने साथ चाय पे बैठ के इसका हल निकाल लें. आज जैसा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा, उन्होंने अपना मसला हल कर लिया और आज आपने देखा होगा कि सारे कोर्ट बहुत स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं. दे ऑल आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज. तो इसलिए अब इस कहानी में कुछ रह नहीं गया, कहानी खत्म हो चुकी. जिन चीजों को लेकर चार्जेस सामने आए थे ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन वो मुद्दे उन्होंने उन मुद्दों को सामने नहीं रखा कि किन किन मुद्दों पर जो है मामला सुलझाया गया है और क्या ये आप कह सकते हैं कि भविष्य में इस तरीके. देखिए ऐसा है कि जो मुद्दे सामने थे उन मुद्दों को सुलझाने में ना हमारी बार काउंसिल या बार कर सकती थी कुछ, ना ही SCBA कुछ कर सकता है, ना हमारे बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया के लोग कर सकते हैं. ये उनका अपना मामला था, उन्हीं को सुलझाना था. हमने यही कहा कि भाई आपका ये इश्यूज है, जो भी थोड़े बहुत लिटिल डिफरेंसेज हैं उनको आप खत्म करें. अब उनको आप कैसे सुलझाएंगे, कैसे उन्होंने सुलझाया, इसमें हम नहीं पड़े. हमने कहा कि आपका मामला है आप सुलझा लो, उन्होंने सुलझा लिया. For the last 48 hours you were holding discussions with almost all the judges. So did you get any confirmation after today's morning's team meeting that the problem has been resolved? Yes. Yesterday only the honorable CJI said that it will be sorted out. And today morning, we are really grateful to them. Sir, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छवि को जो धक्का लगा है वो कैसे रिस्टोर होगा? कोई धक्का नहीं लगा है. देखिए देखिए घर की बात है, सुप्रीम कोर्ट किसी का घर थोड़ी है. ये सुनिए, कभी कभी कुछ बातें अच्छी हो जाती हैं. थोड़े देर के लिए हम लोग को या आप लोग को किसी को लगा होगा कि गलत हो गया, कुछ बातें परिवार में हैं वो सामने आई तो बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो गई. वी आर रियली ग्रेटफुल कि रमेश जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि घर की बात है, सुप्रीम कोर्ट किसी का घर नहीं है. जिस तरीके से चार जज आए, उन्होंने बातें रखी, तूफान खड़ा हुआ, फिर शांति हो गई, आपने सबसे जाके वार्ता की, अब कहा जा रहा है कि चाय पे मिले सब ठीक हो गया है. तो छवि जो घर की बात है उसको घर की बात मैं बता रहा हूँ. देखिए घर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जुडिशियरी अपने आप में एक अलग हाउस है, इंडिपेंडेंट हाउस है, और वो अपने एक अलग इंस्टीट्यूशन है. तो ये उनके अंदर की बात थी. हमारा संविधान तो उसमें किसी ढंग का इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करता है. जो चार जज बाहर आए, एक जज है, एक वकील है आरपी लुथरा, उन्होंने आज सीजीआई के सामने ये कहा है कि एंटी नेशनल कहा है जजों को, ये कहा है कि इनके पर्दे के पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. तो इस पर आपको क्या कहना है? अब ये मांगे उठ रही हैं, इन जजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बीसीआई का इस पर क्या कहना है? नहीं, इस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा. देखिए देश में 15-16 लाख वकील हैं, अब कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, इस हर एक बात का नोटिस हमारी जुडिशियरी ले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले, तो उचित नहीं होगा. अरे मुंडे मतिरभिन्ना वकील हैं, कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन अब जजेज पर क्यों एक्शन लिया जाए? क्या गलत उन्होंने लोगों ने किया? अगर कुछ बात सामने आ गई, उन्होंने ही खुद उसको लोगों को रियलाइज करा के सब ठीक कर लिया, तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कुछ गलत है कि उन पर एक्शन कोई वकील कहे, तो ये बहुत ही अनुचित बात है. Sir, you are saying that the issues are settled. So how it's settled? That is the question, because there are lots of concerns raised by these judges on Friday. So what is settlement? See, we are not going into that question or that controversy. From the letter itself, it appeared from the very beginning. I have been telling that it certain little usage were there with regard to the roster and the listing of the matters. They sat together, they decided something, and it is settled. So the issues were very little, and the judges have gone beyond that. No, not gone beyond that. No. We are not going to make any comment against any honorable judge. All the honorable judges, including these four or five senior judges, topmost judges, they all are men of integrity.
they are honest to the core, therefore we are not going to make any comment against any honorable judge of the court. Sir, aap jab judges se mile the kal, to kya aapne kisi jaanch ki baat kahi thi, unse kaha tha ki is baat ki jaanch honi chahiye, agar kuch galat hai judicial system mein to? Nahi, hamara council ka aisa decision hi nahi tha ki hum kisi cheez par jaanch ki baat karein. Jaanch wali koi baat aise dikhti bhi nahi hai. Ab koi loya case ki beech mein baat le aaya, लोया केस में आप देख रहे हैं कि उनके लड़के उनके लड़की परिवार के लोग रोज कह रहे हैं कि अननेसेसरी हमको घसीटा जा रहा है, इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है, तो उस कंट्रोवर्सीज में हम क्यों पढ़ने जाएं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें पड़ी ही नहीं कि कहां मामला है, क्या हां हिच है, उससे हमको कोई मतलब नहीं था. वी वेयर कंसर्न्ड विद द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नाउ इट इज स्मूथली फंक्शनिंग. It is for them, sir. It is for them to decide. It is for them to consider. We are nobody, and we have no authority to discuss or consider all these matters. After this issue come, do you think there should be a code of conduct for judges also? No, it is for them to decide, sir. It is not for the Bar Council of India or any bar association to impose any condition on them or to impose their decision over them. No, they are the constitutional authority, they are statutory authority. Chali, thank you. Thank you so much. Abhi aap media ka bhi aabhar maan lo. There should be some kind of more transparency. Transparency is already there. Our system is perfectly working. Transparency is there. See, now they have evolved a different formula. While rejecting a name in case of appointment of a judge, they are already assigning the reason. It is there on the website of the Supreme Court. What more transparency? SCBA, I am not going to make any comment over the decision of the SCBA executive committee. It is likely that they will reconsider the matter, but we are not going to make any comment. Lastly, aap sabon ko dhanyavad. Really, you people have also actively cooperated, and because of your assistance, your help, your active cooperation, this matter has been resolved. इस इंस्टीट्यूशन को बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है. आप चौथे पिलर हैं इस सिस्टम के, और आपने जो काम किया है इस सिस्टम को बचाने के लिए, उसके लिए सचमुच पूरे देश का बार आपका आभारी है, आपको धन्यवाद देता है. और कल से आप लोग पूरे देश को बता रहे थे कि बार काउंसिल इंडिया ऐसा ऐसा वर्क कर रही है. या ठिकाणी बार काउंसिल ने कोणताही हस्तक्षेप केला नाही असं बार काउंसिल चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम कोर्टातील जे सरन्यायाधीश आहेत आणि न्यायमूर्ती यांच्यातील वाद स्वतः बसून त्यांनी मिटवला असल्याचं सांगितलं.